उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंकपात मार्ग पर गायत्री मंदिर के सामने घंटी बजाकर श्रीराम राहगिरी महोत्सव का शुभारंभ किया। बच्चों और युवाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाए जा रहे इस महोत्सव में भी नजारा राममय था। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम भी राम भक्ति में नजर आए, जहां एक ओर सीएम राम जी का भजन गाते दिखे तो वहीं ढोल बजाते हुए भी उनकी तस्वीर सामने आई है। ये तीन तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सीएम की राम भक्ति आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ घंटी बजाकर उन्होंने शुभारंभ किया तो मुख्यमंत्री ढोल भी बजाते नजर आए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल प्रदेशवासियों को दीपावली की तरह उत्सव मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है, लोग अपने घर के आगे राम ज्योति जलाएं, राम धुन गाएं। उन्होंने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, और ऐसे में प्रदेशवासियों से अपील की गई है कि 22 जनवरी के दिन को अमर बनाए। राम, मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाइयों, बहनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, कल का दिन हमारे सबके लिए अयोध्या में एक बहुत अलग प्रकार का दिन, और ख़ास करके 22 जनवरी अयोध्या में प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं। जिस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। परमात्मा की दया से पूरा प्रदेश, भगवान राम और देश तो क्या प्रदेश और पूरी दुनिया इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन इस संघर्ष के बाद भी जब ये दिन आया है तो पूरा देश रोमांच से भरा हुआ है, धार्मिक भक्ति और भाव में डूबा हुआ है। आइए हम सब भी मिलकर के कल के दिन को अमर बनाएं, कल दिवाली मनाएं, अपने अपने घर के आगे राम ज्योति जलाएं, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उत्सव का वातावरण बनाएं, त्यौहार मनाएं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे प्रदेश में एक उल्लास का वातावरण इसमें बना हुआ है। मैं स्वयं भी ओरछा रह करके इस आयोजन का साक्षी बनूंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में पूरे प्रदेशवासी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में साक्षी बने। हम सब अपने अपने स्थान से होकर के इस पूरे कार्यक्रम को निहार सकते हैं, और जब हमारा समय हमको बताया जाएगा तब हम सब जाके अयोध्या में प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर की आयोजन की बधाई।